नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, और एक झारखंड की बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीजीएल की कंबाइन ग्रेजुएट लेवल की, राइट। तो अभी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है, ये सब कुछ हमें इसके बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं पटाख से। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, 2017 वैकेंसीज, काफी बड़ी रिक्रूटमेंट है, राइट। अब देखिए असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की लगभग 683 वैकेंसीज है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की लगभग 335 वैकेंसीज है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 182 है, प्लानिंग असिस्टेंट की 5 है, उसके बाद में ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर की 195 है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 252 है, सर्कल इंस्पेक्टर कम कागुंगो की 185 वैकेंसीज है। ऐसी कुल मिला के 2017 वैकेंसीज है, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट है ये, राइट। और सीजीएल की है तो कोई भी ग्रेजुएट लेवल पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, ग्रेजुएशन, राइट। तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर का एज लिमिट है। आगे अब इसके तीन पेपर होने वाले, उसमें से पेपर वन जो होगा जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, राइट, जिसके अंदर हिंदी होगी, क्वेश्चन 60 और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ऐसे 180 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज 60 क्वेश्चन इंटू 3, ओके, ऐसे 180 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन 360 मार्क के लिए। और इसका ड्यूरेशन है आपका 2 घंटे का, मतलब आपको फटाफट 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स। अब पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका फाइनल क्राइटेरिया आएगा सिलेक्शन के लिए, मतलब आपकी मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे बनने वाली। तो पेपर 2 में आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसमें हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, राइट, फिर उसके बाद में खो भी हो सकती है, बंगाली होती है, उनकी लिस्ट ही है पूरे लैंग्वेज की, उनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के लिए, और उसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, राइट। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद में आपका पेपर 3 होगा, पेपर 3 में आपका जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। फिर उसके बाद में जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ओके। पर ये जनरल स्टडीज का फोकस जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा झारखंड स्टेट के जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगा, झारखंड स्टेट की हिस्ट्री है, उसकी ज्योग्राफी है, उसके फिर माइंस वगैरह, इनके बेसिस के ऊपर आपका मेन फोकस झारखंड है, राइट। उसके बाद में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, जनरल नॉलेज झारखंड का वो भी 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद में कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, ऐसे 150 क्वेश्चन लगभग आपको 450 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, ओके। सो टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चंस बने हैं 450 मार्क्स के लिए, और ये आपका 2 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब इसके पहले के 300 मार्क प्लस 450, ऐसे 750 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा, राइट। कितने का होगा, 750 मार्क्स का पूरा पेपर आपका बनेगा, क्लियर। और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है, ओके। अब असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए सैलरी 44,900 से लेकर 142,400 तक, फिर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक, उसके बाद में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए 35,400 से लेकर 112,400 तक, उसके बाद में प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी होगी। फिर उसके बाद में फीस क्या होगी, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज, झारखंड की फीस बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम रहती है। एससी एसटी के लिए 50 रुपीज, यार 50 रुपीज आजकल कौन से एग्जाम की फीस है, सबसे कम फीस वाला झारखंड ही है जो सबसे कम रखता है, क्लियर। फिर उसके बाद में अप्लाई कब तक करना है, तो अप्लाई करना है आपका 19 जुलाई तक, राइट। आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। वेबसाइट इसके लिए www.jssc.nic.in, राइट। तो अप्लाई करना शुरू हो चुका है, अप्लाई करिए, राइट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फायदा जहां से मिले
वहां से लेना चाहिए। प्रिपरेशन हो चुका है बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग तब तक कर भी सकते हैं, आपको अप्लाई करना भूलना नहीं है। सो दोस्तों यहां रुकता हूं, जाते जाते ये बताते जाऊंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, राइट, और उन सब तक पहुंचाइए जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते, आगे आने वाली इंडिया में की सभी वैकेंसी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, पूरे स्टेट में जितने स्टेट है इंडिया में, जहां जहां रिक्रूटमेंट आएगी मैं आप तक लेके आऊंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।